हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, ट्रांजेक्शन इफेक्ट और स्लो मोशन वाली वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे भी काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, दो वीडियो शूट करना है। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में पेड़ पौधा ज़्यादा होना चाहिए, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से वीडियो को शूट किया हूँ। वीडियो शूट करने के बाद इस दोनों वीडियो को सबसे पहले आपको स्लो मो में कर लेना है। तो स्लो मोशन में आपको कैसे करना है, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को स्लो मोशन में कर लेना है। स्लो मोशन में करने के बाद वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ वीडियो को शूट कैसे करना है और एडिट कैसे करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और इस बैकग्राउंड को 10 से 15 सेकेंड तक कर देना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और राइट क्लिक कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और इसे आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और आपको अगेन आगे की तरफ लेकर आना है और आपको देखना है यहाँ पे जहाँ से आपका ग्रीन स्क्रीन स्टार्ट हो रहा है वहाँ 4.5 के आसपास आना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट करना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको देखना है कहाँ तक ग्रीन स्क्रीन है, जहाँ तक ग्रीन स्क्रीन है वहीं तक आपको रख देना है। तो राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट कर देना है। यदि आपके वीडियो में लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो सिंपल कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ से ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। इस तरह से आप चाहे तो वीडियो में से एक्स्ट्रा पार्ट को भी रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे। जब फाइनली हम वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। ग्रीन स्क्रीन वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएंगे क्रोमा की का, सिंपल क्लिक करना है और इसे आपको इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है और इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। जब हम फाइनली प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को मैंने पहले ही स्लो मोशन में कर लिया था, तो इस वीडियो को आपको स्लो मोशन में कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो को स्लो मोशन करने के लिए सिंपल मैं इसे बैक कर लेता हूँ और आपको मैं बता देता हूँ। प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है और जो वीडियो आपने शूट किए थे उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पे आना है, सिंपल आपको यहाँ पे 0.5 कर देना है और इसके बाद राइट क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करना है, 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे तो ये वीडियो आपको स्लो मोशन में हो जाएंगे। तो फर्स्ट काम आपको करना है, सबसे पहले वीडियो को स्लो मोशन में कर लेना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।